वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस, दिस इज़ पूजा शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द फोर्थ चैप्टर ऑफ ओलंपियाड मैथमेटिक्स, इट्स लाइंस, शेप्स एंड सॉलिड्स। लेट्स रीड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। दिस लेसन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस एंड शेप। ये लेसन आपको हेल्प करेगी समझने में बेसिक कॉन्सेप्ट को, लाइंस और शेप के बारे में। आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, सीधी रेखा और शेप, अलग अलग तरीके की शेप्स होती हैं उनके बारे में आप सीख पाएंगे, सर्कल, रेक्टेंगुलर, सॉलिड, क्यूबॉइड, ये सब शेप्स के बारे में। दिस लेसन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन्स। ये लेसन आपको सीधी रेखा, सीधी लाइन के बारे में जानने में हेल्प करेगी और कर्व्ड, मुड़ी हुई लाइन जो होती है उनके बारे में समझने में हेल्प करेंगी। दिस लेसन विल हेल्प यू टू स्टडी वेरियस फ्लैट शेप्स। बहुत सारे फ्लैट शेप्स के बारे में आप जान पाएंगे और सॉलिड शेप्स के बारे में आप जान पाएंगे। दिस लेसन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वे शेप्स अफेक्ट मूवमेंट लाइक रोलिंग एंड स्लाइडिंग। इस लेसन से आप ये समझ पाएंगे कि कौन से शेप हैं, कौन कौन से शेप्स हैं जो कि मूवमेंट कर सकती हैं, रोल मतलब कौन सी शेप है जो गोल गोल घूम कर, मतलब जो घुमावदार होती है, जो घूम सकती है, और स्लाइडिंग जो कि गिर जाती है, जो कि राउंड रोल नहीं हो पाती, वो गिर जाती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स, लाइन एंड शेप्स आर यूजफुल इन आर्किटेक्चर एंड कारपेंटर। जो लाइंस होती है और जो शेप्स होती है वो आर्किटेक्चर और कारपेंटर के लिए बहुत यूज़फुल होती है। वी सी डिफरेंट शेप्स ऑल अराउंड अस। हम अपने आसपास अलग अलग शेप्स देखा करते हैं। फुटबॉल, बुक, पेंसिल, ये अलग अलग शेप्स हैं। क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू, लाइन, लाइन ऐसी होती है, सीधी लाइन होती है, बिल्कुल सीधी। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन होती है, बिल्कुल सीधी लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुक है, ये फुटबॉल है, ये पेंसिल है। आप इसकी शेप्स को देख सकते हैं, बुक की शेप ऐसी होती है, फुटबॉल की ऐसी, पेंसिल की ऐसी शेप होती है। ये शेप्स हैं। लाइन के बारे में और पढ़ लेते हैं। अ लाइन इज़ अ लॉन्ग थिन मार्क मेड बाय अ पेन, पेंसिल, चॉक एट्सेट्रा। एक लाइन है जो कि एक पतली सी लाइन मार्क की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो लाइन हम पेंसिल पेन से बना दिया करते हैं, पेंसिल से बना दिया करते हैं, चॉक से ब्लैक बोर्ड पर बना दिया करते हैं, एक स्ट्रेट सीधी लाइन, वो मार्क की जाती है किस किस से, पेंसिल, पेन और चॉक। अ लॉन्ग थिन मार्क मेड बाय पेंसिल, पेन, चॉक। इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेट, इनफाइनेटली लॉन्ग एंड इनफाइनेटली थिन। ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है जो कि सीधी होती है, बड़ी लंबी भी हो सकती है और लंबी होती है और पतली होती है। टाइप्स ऑफ लाइन्स, लाइन्स आर टू टाइप्स, लाइन के दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स जो बिल्कुल सीधी लाइन जाती है, यहाँ पे देख रहे हैं आप दो लाइन बनी सीधी जा रही है। कर्व्ड लाइन्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन वन, लाइन टू, ये जो लाइन्स है वो मुड़ी हुई जा रही है, कर्व्ड लाइन्स है, ये मुड़ी हुई हैं। आगे देखते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ कर्व्ड लाइन्स और स्ट्रेट लाइंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लाइंस। हमारे पास, हमारे आसपास जो चीज़ें आप देख रहे होंगे या वो तो या तो बिल्कुल सीधी लाइन होगी मेड ऑफ कर्व्ड लाइंस, या तो घुमावदार लाइन होगी, या तो स्ट्रेट लाइन होगी, या तो सीधी लाइन से बनी होगी। आप अपने दीवार को देख सकते हैं, स्ट्रेट है, वो सीधी लाइन से बनी हुई है। आप वायर्स को देख सकते हैं, वो कर्व्ड लाइंस, वो मुड़ी हुई होती हैं। और अब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लाइंस, या तो कॉम्बिनेशन होगा, मुड़ा हुआ भी होगा और सीधा भी होगा। शेप्स एंड सॉलिड्स, ऑल थिंग्स अराउंड अस हैव शेप्स। जो भी हमारे आसपास होते हैं उनकी शेप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेप्स, फ्लैट शेप्स, सॉलिड शेप। यहाँ पे दो तरीके के शेप्स होते हैं, एक तो फ्लैट चपटा हुआ और एक सॉलिड जो ठोस शेप होगी। और देखिए आगे देखते हैं, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल आर फ्लैट शेप्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल,
आर फ्लैट शेप्स, ये फ्लैट शेप्स होते हैं, इस ये यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लैट शेप्स, ये शेप्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर स्फेयर, कोन, सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड आर सॉलिड शेप्स। यहाँ पर इमेज में देख लेते हैं सॉलिड शेप्स, यहाँ पे इमेज में सॉलिड शेप्स देख लेते हैं, यहाँ पे क्यूब है, कोन है, सिलेंडर है, स्फेयर है, क्यूबॉइड है, ये सॉलिड सॉलिड शेप्स के होते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगल फ्लैट है, स्क्वायर फ्लैट है, सर्कल फ्लैट है, रेक्टेंगल फ्लैट है, ओवल फ्लैट है, यहाँ पे क्यूब आप देख सकते हैं सॉलिड है, ये कोन सॉलिड है, सिलेंडर सॉलिड है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं स्फेयर सॉलिड है, क्यूबॉइड सॉलिड है, फ्लैट शेप। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले ये एक एक पोयम है, यहाँ पे उसे रीड कर लेते हैं। आई एम अ स्फीयर सर्कल, वॉच मी टर्न अराउंड राउंड राउंड, आई एम नॉट स्ट्रेट, आई डोंट बैंड, स्क्वेयर स्क्वायर इज माई नेम स्क्वायर, माई फोर साइड्स आर जस्ट सेम, आई एम डेनी डायमंड, आई एम लाइक काइट हुज कॉर्नर्स आर पुल्ड लाइट, रिक्के रेक्टेंगल इज माई नेम, माई फोर साइड्स आर नॉट द सेम, टू आर शॉर्ट एंड टू आर लॉन्ग, माई फोर काउंट माई साइड्स कम अलॉन्ग, आई एम टमी रेक्टेंगल काउंट माई साइड्स देर इज 1, 2, 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल तीन साइड्स होते हैं, स्क्वायर के चार, सर्कल गोल होता है, राउंड राउंड होता है, रेक्टेंगल को आप देख सकते हैं दो बड़े दो, यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगल इज माय नेम, फोर माय फोर साइड्स आर नॉट द सेम, चारों साइड सेम नहीं होती, काउंट माय साइड्स, टू साइड्स आर शॉर्ट टू आर लॉन्ग, दो साइड छोटी दो आर दो बड़ी होती हैं। फ्लैट शेप्स के बारे में रीड कर लेते हैं। स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स एंड लाइंस कैन बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जो स्क्वायर शेप है, ट्रायंगल शेप है, रेक्टेंगल की शेप है, जो सर्कल की शेप है, इसको हम पेपर पे बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव साइड्स एंड कॉर्नर्स बट सर्कल हैज़ नीदर साइड नोर कॉर्नर, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स के साइड्स होते हैं, कॉर्नर्स भी होते हैं, लेकिन जो सर्कल होता है, जो सर्कल होता है उसकी कोई साइड नहीं होती, कोई कॉर्नर नहीं होता। स्क्वायर की बात कर लेते हैं, स्क्वायर हैज़ फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स, 1, 2, 3, 4, फोर साइड्स हो गई, 1, 2, 3, 4, फोर कॉर्नर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल चेस बोर्ड आप देख सकते हैं, उसके चार साइड्स होती हैं चार कॉर्नर होते हैं, 1, 2, 3, चार कॉर्नर होते हैं और चार साइड्स होती हैं। आगे देखते हैं रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल हैज़ फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स, एक रेक्टेंगल के पास चार साइड्स होती हैं, चार साइड्स देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, चार साइड्स, चार कॉर्नर, 1, 2, 3, 4, चार कॉर्नर्स भी होते हैं। द लॉन्गर साइड इज़ कॉल्ड लेंथ, जो लंबी साइड्स होती है, जो लंबी साइड होती है इसे हम लेंथ बोला करते हैं। द शॉर्टर साइड इज कॉल्ड ब्रेथ, जो शॉर्टर साइड होती है इसे हम ब्रेथ बोला करते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं डोर, यहाँ पर जो लॉन्गर साइड है इसे हम लेंथ बोलेंगे, यहाँ पर जो शॉर्टर साइड है उसे हम ब्रेथ बोलेंगे। ये लॉन्गर साइड लेंथ और शॉर्टर साइड ब्रेथ। ट्रायंगल, ट्रायंगल देख लेते हैं, अ ट्रायंगल हैज़ थ्री साइड्स, ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड थ्री कॉर्नर्स, 1, 2, 3 कॉर्नर्स। फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा स्लाइस आप देख सकते हैं तीन साइड्स हैं और तीन कॉर्नर्स हैं इसकी। सर्कल, अ सर्कल इज़ राउंड एंड हैज़ नो साउंड, जो सर्कल होते हैं वो राउंड होते हैं और सर्कल की कोई शेप नहीं होती, और सर्कुलर प्लेट देख सकते हैं, ये राउंड भी होता है और इसकी कोई शेप भी, इसकी कोई साइड नहीं होती, सॉरी शेप तो सर्कल है ये, साइड नहीं होती। ओवल, एंड ओवल हैज़ नो साइड, एक ओवल की कोई साइड नहीं होती। एंड एग, जो एग होता है वो ओवल की शेप में होता है। वी विल स्टडी अबाउट सॉलिड शेप्स इन द नेक्स्ट क्लास, चलिए पढ़ लेते हैं।
हम सॉलिड शेप्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, रोलिंग एंड स्लाइडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। हैव यू नोटिस्ड दैट सम ऑब्जेक्ट्स रोल व्हाइल सम स्लाइड? कुछ क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो घूम जाते हैं, गोलाई में वो घूम जाते हैं, लेकिन जो कुछ होते हैं वो घूमते नहीं, वो गिर जाते हैं। वाह, ये यहाँ पर बॉल से खेल रहे हैं। वाह, द बॉल रोल्स डाउन सो फास्ट। जो बॉल होती है वो गोल होती है और वो नीचे की तरफ बहुत जल्दी से घूमते हुए चली जाती है। ये झूले पे ये बैठे हुए हैं और इस यहाँ से इन्होंने बॉल फेंकी नीचे, तो उन्होंने देखा कि जो बॉल है वो घूमते हुए नीचे चली गई। और यहाँ पर है सेकंड इमेज में है, हे द डाइस स्लाइड्स डाउन। जो डाइस है वो घूमी नहीं, वो नीचे गिर गई। यहाँ पर देखा आपने, अमेजिंग फैक्ट्स। हैव यू सीन एनी पिरामिड? क्या आपने कभी पिरामिड देखा है? अ पिरामिड इज़ अ स्ट्रक्चर विच हैज ट्राइंगुलर फेस। एक स्ट्रक्चर है पिरामिड जिसकी जो फेस होता है, जिस तरफ से आप देखेंगे वो ट्राइंगल के शेप में दिखेगा। दिस ट्राइंगुलर फेसेस मर्ज टू अ पॉइंट एट द टॉप। ये जो ट्राइंगुलर शेप होती है, यहाँ पर देख रहे हैं ट्राइंगुलर शेप है की तरफ से दिख रहे हैं, और इसके जो टॉप होते हैं ऊपर ज्वाइंट कर दिए जाते हैं ऊपर पॉइंट पे, और फिर इसे मर्ज कर दिया जाता है ऊपर पॉइंट पे। जो इसका बेस होता है, द बेस ऑफ पिरामिड कैन बी रेक्टेंगल और स्क्वायर। जो इसका बेस होता है या तो रेक्टेंगल शेप का हो सकता है या तो स्क्वायर शेप का हो सकता है। आगे देखते हैं, व्हेन वी पुश राउंड ऑब्जेक्ट लाइक बॉल एट्सेट्रा दे रोल। जब हम किसी राउंड ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं तो वो घूमती है वो चीज़ें। जैसे कि बॉल को हम धक्का देते हैं पैर से, अगर हम उसे मार दें बॉल को, तो वो गोल गोल घूमते हुए आगे चली जाएगी। व्हेन वी पुश फ्लैट ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक डाइस एट्सेट्रा, अगर हम किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट को धक्का मारेंगे तो वो दे स्लाइड, वो गिर जाती हैं, वो रोल नहीं होती हैं, वो गिर जाती हैं। डू यू नो द रीज़न? क्या आपको वजह पता है इसकी? दिस इज़ बिकॉज अ बॉल हैज़ कर्व्ड और राउंड राउंड सरफेस, दैट इज़ वाई अ बॉल रोल्स। इसलिए होता है क्योंकि जो बॉल की शेप होती है वो राउंड होती है, वो कर्व्ड तो होती है और राउंड सरफेस होता है उसका, जो सरफेस होता है ये उसका आकार जो होता है वो गोल होता है, तो वो गोल आकार का इसलिए वो गोल गोल घूम जाता है। दैट इज़ वाई अ बॉल रोल्स, इसलिए बॉल जो होती है वो घूम जाती है। अ डाइस हैज़ फ्लैट शेप, जो डाइस क्या होता है उसकी जो शेप होती है वो फ्लैट उसकी शेप होती है, स्क्वायर शेप होती है उसकी और वो फ्लैट होता है, तो दिस इज़ वाई अ डाइस स्लाइड्स। यहाँ पर आप डाइस देख सकते हैं, इसकी शेप आप देख सकते हैं क्यूब, इसकी शेप जो होती है क्यूब होती है। इस जो एक डाइस है उसकी शेप कैसी है? क्यूब है, तो जो इसलिए और उसके कॉर्नर्स भी होते हैं, यहाँ पर आप डाइस के देख सकते हैं कॉर्नर्स भी हैं, तो इस वजह से जो डाइस होती है वो गोल गोल नहीं घूम पाती है, वो गिर जाती है। ऑब्जर्व द डिफरेंट अ डाइस, हाँ, ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट योर होम और स्कूल एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देयर शेप्स। आप अपने घर और स्कूल में ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ध्यान दीजिए और उसके बारे में आइडेंटिफाई करें कि वो किस शेप की है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आपकी ऑब्जर्वेशन को आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स और टीचर्स को बताएं कि वो शेप किस तरीके की है, कैसी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फिगर है, नेम ऑफ द शेप। ऑब्जेक्ट डाइस है, फिगर डाइस ऐसी होती है, इसके चार कॉर्नर्स भी हैं और ये फ्लैट भी है, इसे हम बोलते हैं क्यूब। बुक आप देख रहे हैं, बुक इस शेप की होती है, ये क्यूबॉइड शेप है। बैटरीज ऐसी दिखती हैं और इसका शेप कैसा है? सिलेंडर। आइसक्रीम ऐसी दिखती है, इसकी शेप कोन है, इस शेप को हम कोन बोला करते हैं। बॉल ऐसी दिखती है, इसको क्या हम बोलते हैं? स्फेयर बोलते हैं। विच ऑफ द अब हम MCQ के क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज नॉट स्क्वायर इन शेप, कौन से फॉलोइंग ऑब्जेक्ट है जो कि
नॉट स्क्वायर इन शेप, शेप में स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, जो ये ऑब्जेक्ट ही जो ये है, ये है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है। आप देख सकते हैं बॉर्नविटा कंटेनर इज सिलेंड्रिकल इन शेप, तो ये नहीं है। फाइंड द ऑड वन आउट, अच्छा ठीक है, ये तीन एक जैसे हैं, और जो डी है, डी इज़ चॉकलेट एंड इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, और जो ये तीनों है ये सर्कुलर इन शेप है, तो ये अलग है, ऑड वन है ये। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, कौन सी सीधे लाइन से बनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेस बोर्ड इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, और जो बी है इज़ क्लाउड एंड इज़ मेड ऑफ कर्व लाइन्स, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ़ द फॉलोइंग शेप्स हैज़ नो कॉर्नर, इसमें से कौन सी है, कौन सा चीज़ है जिसकी कॉर्नर नहीं है। तो इसका कॉर्नर है, इसका भी कॉर्नर है, इसका है भी है, तो किसका नहीं है, इसका कॉर्नर नहीं है। सो दैट बी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।